हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। आज तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, उसके बावजूद भी आपको मैं वीडियो ये बना के दिखा रहा हूं। और दोस्तों, वैसे आपको मालूम है कि मैं हमेशा पहाड़ों कंदराओं और गुफाओं में संतों की खोज में निकला रहता हूं और आपको दर्शन करवाता हूँ। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे। और आज मैं आपको एक युवा बाल ब्रह्मचारी संत के दर्शन करवाऊंगा। तो चलते हैं पहले तो मंदिर में, फिर आपको संत से मिलवाऊंगा। दोस्तों, ये मंदिर जो है ऊपर, ये शिव जी का मंदिर है और पीछे ये जबरदस्त पहाड़ी, और ये देख लीजिएगा पानी के लिए बना हुआ पत्थर में, इसमें भी पानी शायद इकट्ठा होता होगा और जानवर पीते होंगे, क्योंकि ये जो है जंगल है। और मैं अभी आपको जो है ये शिव जी का मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों, अब ये जो है ये शिव जी का मंदिर है, ये नंदी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैं ऊपर थोड़ा चढ़ के दोस्तों ये सब जो अंदर है शिव जी के दर्शन करवाओ। तो दोस्तों, आप भी कीजिएगा ओम नमः शिवाय, ये थोड़े नंदी के दर्शन करवाओ और ये शिव जी के जो ये दर्शन। और दोस्तों, यहाँ ये इतनी ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जो है ये जो है एक बावड़ी, इसको अमर गंगा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो पानी है वो पूरे साल, मतलब अकाल में भी नहीं सूखता और यहाँ पानी रहता है। इसमें जंगली जानवर जो है वो पानी पीते हैं। और ये मंदिर शायद किसका है वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसके भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। इसके बाद में ऊपर का तो स्थान है, वहाँ दर्शन करवा के फिर मैं आपको संतों के दर्शन करवाने ले चलूँगा। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये शायद अभी इसका निर्माण कार्य अधूरा है। तो दोस्तों, ये बंद वैसे पड़ा हुआ है और शिव जी के मंदिर के मैंने आपको दर्शन करवा दिए। और अब मैं आपको ऊपर जो है स्थान है वहाँ जो भी है, मैंने तो देखा नहीं, मैं भी पहली बार आया हूँ दोस्तों। यहाँ एक कोठरी देखने को मिल रही है जो बंद है, और यहाँ भी जो है नाग देवता का स्थान है और एक नंदी है, और दूने के लिए शायद ये जगह रखी गई होगी दोस्तों। और बाकी का जो ये ऊपर का है ये स्थान, तो ये यहाँ का धुना है दोस्तों, ये शायद यहाँ का धुना लगता है मुझे, आपको वो भी दिखा देता हूँ। और ये पीपल का वृक्ष। तो दोस्तों, ये पहाड़ी और ये धुना, अभी इसको ढककर रखा हुआ है और संत नीचे बैठते हैं। एक्चुअली संत के पैर के जो है फ्रैक्चर हो गया है, और थोड़ी फ्रैक्चर की वजह से ऊपर आने जाने में समस्या होती है, और यहाँ जो बंदर वगैरह जो है वो यहाँ परेशान करते हैं। तो इस हिसाब से अभी इस पर दूना चेतन तो है, लेकिन इसको थोड़ा ढक दिया गया है। अब अपन वापिस चलते हैं नीचे दोस्तों। तो अब मैं आपको यहाँ जो चरणदास जी के जो समाधि स्थल है उसका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने विराजमान है संत, तो उनसे मिलते हैं। तो बाबू जी प्रणाम करता हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे बाबू जी का नाम। बाबू जी, आपका शुभ नाम? पर्वतपुरी महाराज। पर्वतपुरी जी महाराज, यानी मतलब पूरी संप्रदाय से जी। और आपके गुरुदेव? प्रेमपुर जी। तो गुरु स्थान कहाँ है? विजयाष्टमी मंदिर आबुरुड़। कौन सी जगह? विजयाष्टमी मंदिर आबुरुड़ में। अच्छा अच्छा तो बाबू जी, आपकी उम्र कितनी होगी? करीब मेरी होगी 33।
एकदम यंग उम्र है दोस्तों। बाबा जी 33 वर्ष के ही है और मतलब जन्म से ये आपने तो मतलब ये साधु बड़े जी, 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 जी। मैंने इसमें दान किया है, मतलब है तो जन्म से ही इसमें हूँ। अच्छा, लेकिन अब एक दान किया मैंने 2017 में, यानी ब्रह्मचारी ही है आप तो। जी, जी, कई तो साधु वो क्या गृहस्थ आश्रम से आते हैं फिर साधु बनते हैं, लेकिन आप तो ब्रह्मचारी ही है यानी जन्म से ही। तो दोस्तों ब्रह्मचारी है और अपनी भक्ति यहाँ कर रहे हैं। अभी फिलहाल बाबा जी के पैर के मैंने अभी आपको बताया भी था, जो मेला था यहाँ और मेले में बाबा जी के पैर के थोड़ी हड्डी जो फ्रैक्चर हो गई और उसकी वजह से बाबा जी रेस्ट कर रहे हैं। और बाबा जी से अपन जानेंगे इस जो भक्ति की लाइन और ये संन्यास लेने के बाद में। बाबा जी आपने संन्यास लिए ये जो टाइम या बीता है 8-10 साल हुए, कितने साल हुए आपने बताया था? जी मैंने 2017 में लिया, 17 में लिया है, यानी ये 7-8 साल हो गए। तो 7-8 साल में आप तो ये भक्ति कर रहे हैं बाबा जी, आपने 7-8 साल की भक्ति जो है ये आप आध्यात्मिकता में जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको कोई ऐसे कुछ अनुभव वगैरह कुछ ऐसा अनुभव हुआ ऐसा कोई? अनुभव में तो इसमें तो बहुत अनुभव है। हाँ जी, यही तो चीज़ है जो अपने जो भक्त देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई वास्तव कई जगह ऐसा भी कहते हैं कि भाई मैं परमात्मा नहीं है, परमात्मा वो है, क्योंकि पंथ ज्यादा है, पंथ कई तरह के पंथ है। कोई कहता है कि किसी को मानो ही मत, देवी देवता को मत मानो, कोई कहता है कि उसको मानो, सिर्फ एक ही परमात्मा, परमात्मा एक ही है। लेकिन उसी के बारे में तो मैं तो थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हो अनुभव, अनुभव का मतलब आपको कभी ऐसा लगा हो कि भाई ईश्वर की मुझे कुछ अनुभूतियाँ हुई ऐसा? कुछ अलग सा स्टेप। अच्छा, आप बताना नहीं चाहते तो इसका दोस्तों ये जो अनुभव की बात बाबा जी बताना नहीं चाहते, खैर अपन अनुभव की नहीं। बाबा जी तो मान लो आप ये जंगल वाला एरिया है यहाँ बैठे हैं, तो आपके यहाँ का जो राशन पानी वगैरह कैसे किस तरीके से चलता है? यहाँ पे जो भक्त बनाते हैं उनके आधार पर चल रहा है आश्रम। अच्छा, जैसे मान लो कोई बीमारी वगैरह बीमार हो तो यहाँ के मतलब ये 24 गांव वाले लोग सेवा भी दे रहे हैं। अच्छा, और अपने शिष्य गण भी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाबा जी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं मेरी तरफ से सवाल कर रहा हूँ बाबा जी, ये सत्संग का सवाल है, सत्संग में होते हैं ऐसे सवाल जो कहते हैं कि श्वासोश्वास सुमिरन करना चाहिए। जी जी जी, तो कई संत है ऐसे भी है जो अपने को ये बताते, तो श्वासोश्वास सुमिरन ऐसा कौन सा है जिसको अजपा जाप कहते हैं? अजपा जी जी, अजंपा जाप, तो वो गृहस्थ भी कर सकता है? जी जी। अच्छा, अगर बिना गुरु के करे तो? और गुरु है अगर, मान लो गुरु मैंने बनाए हुए हैं और उसके बाद में अगर मेरी इच्छा से कोई मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं? कर सकता हूँ। सकते हैं, उसमें भी संकल्प लेके करना पड़ता है या बिना संकल्प के? बिना संकल्प आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, आधार होना गुरु का। अच्छा, कोई ऐसे भी जैसे भक्त है तो वो उनको जैसे मान लेते हैं, वो कई बार बात भी करते हैं, तो गुरु उन्होंने वैसे तो बनाया नहीं, लेकिन जैसे मान लो मुझे सपने में मैंने गुरु बना लिए, तो क्या वो गुरु उनको मान दिए जाएंगे या नहीं? वो मान्य नहीं है। गाड़ी ट्रेन या तो ट्रेन के पीछे तो चिट्ठी हो ना, तो दोस्तों जाने के बगैर तो वो गाड़ी चलेगी नहीं ना, ड्राइवर है लेकिन चिट्ठी तो पीछे लगाएगा वो। तो ये बाबा जी का कहना है कि कई ऐसे भी है भक्त लोग जो, और अपने कई कमेंट करते हैं लोग, तो मैं उन लोगों को भी ये कह देना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है गुरु किसी भी रूप में आप कर सकते हो। वैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए जी जी, लेकिन उन्होंने जिनसे जो सीखा उनको गुरु मान लिया, उसी तरीके से अगर आप मनुष्य रूप में है तो आपको गुरु कैसा भी किसी भी तरीके का अपने से जो ज्यादा जानने वाला है उसको कर लेना चाहिए। ये बाबा जी का इशारा है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाबा जी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
और बाबा जी से और भी कुछ सवाल अपन जारी रखेंगे कि बाबा जी, अभी आप जो आपकी 33 साल की उम्र है, तो इस उम्र में आप कहाँ कहाँ तक भ्रमण किया है यहाँ आपने? भ्रमण तो लगभग लगभग बहुत सारे किए हैं। यहाँ से मैं नेपाल तक गया नेपाल तक गए, काठमांडू जी, काठमांडू। तक गए, यानी पूरा भारत भ्रमण कर लिया आपने। भारत भ्रमण करने के बाद में फिर ये जगह आपको? मैं विदेश में मठ में था, अच्छा अबरूद था, अच्छा और वहाँ से यहाँ आया। वो 15 महीने ही घूमे हैं। 15 महीने ही हुए। तो ये जगह कैसी लगी आपको? अच्छी है। दोस्तों, ये राजस्थान की भूमि है, वीरों की भूमि, साधु संतों की भूमि है। और यहाँ वीर महाराणा प्रताप हुए हैं, तो साधु संतों में मीराबाई और कई संत जो हुए हैं, ये राजस्थान की भूमि है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।